गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमने पार्ट 11 डिस्कस करेंगे, अप टू पार्ट 10 तक हमने डिस्कस किया है। जितने भी आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। तो लेट अस डिस्कस पार्ट 11। सो इनके अंदर जो भी हमने पार्ट 10 डिस्कस किया आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये सिंगल पार्ट में रहेगा, कुल मिला के 100 सवाल रहेंगे, सबके सब हमने इस पार्ट 11 के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखते जाइए। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? जैसे कि लंदन के अंदर लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड देख सकते हो, ठीक उसी तरह ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम जो है त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी स्टेडियम भी कहा जाता है, और भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो कि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। अगला देखिए, बाकी न्यूजीलैंड के अंदर सेडन पार्क जो कि हैमिल्टन में आप देख सकते हैं, सेडन पार्क के नाम पे क्रिकेट स्टेडियम। सो यहाँ पे लॉर्ड्स पूछा गया है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। बाकी पेरिस तो आईफिल टावर के लिए फेमस है, न्यूयॉर्क यूएन हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हो वहाँ पे। अगला देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न गार्ड्स, जो कि वेस्टर्न गार्ड्स के अंदर पूछा जा रहा है, जो कि अनाईमुड़ी, ये एक ऐसा पीक है जो कि सबसे लेंदी पीक कह सकते हैं, और सदर्न इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट पीक कौन सा है, जो कि अनाईमुड़ी है दोस्तों। बाकी अमरकंटक एक ऐसा टॉलेस्ट पीक है जो कि विंध्या रेंज में देख सकते हैं, और इसकी हाइट जो है 3438 फीट है, जो कि मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, और यहीं से नर्मदा रिवर ओरिजिनेशन होता है। अब बाकी आप देख सकते हो ये जो पीक है अनाईमुड़ी का, जिसको हम अनाई पीक के नाम पे भी जाना जाते हैं, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये 2695 मीटर्स आप देख सकते हो, ये पेनिनसुलर इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक के नाम पे भी जाना जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी भी सवाल को आप नज़रअंदाज मत करो। अगला देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, श्रीलंका के जियोग्राफिकली भी डिजाइड एज, जो कि श्रीलंका एक किस्म का आइलैंड है दोस्तों, और सबसे टॉप मोस्ट बिगेस्ट आइलैंड जो कि ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया भी एक किस्म का आइलैंड कह सकते हैं। अगर पूछा जाए लैंड लॉक्ड के बारे में, जैसे कि दिल्ली सेंटर ऑफ द इंडिया में आप देख सकते हैं पूरा ऑल अराउंड लैंड देख सकते हैं, भूटान एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड देश है, मतलब नेशन है दोस्तों। बाकी पेनिनसुला की अगर देखा जाए, इंडिया एक किस्म का पेनिनसुलर इंडिया है, और तीन साइड पानी होता है, और एस्चुरी क्या चीज़ है, जो कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एस्चुरी जो है लॉरेंस रिवर कह सकते हैं, एस्चुरी वो होता है जो कि समुंदर में जाके मिल जाते हैं, एक फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पार्क स्ट्रेट आप जानते हैं, जो कि वाटर बॉडी सेपरेटिंग इंडिया और श्रीलंका के बीच के अंदर, आप पानी जो है जो ऐसा एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भी वहीं पर देखने को मिलेगा, और साथ में पार्क स्ट्रेट भी देखने को मिलेगा। अगला देखिए, फाउंडर ऑफ नंदा डायनास्टी पूछा गया है। नंदा डायनास्टी तो आप जानते हैं, नंदा डायनास्टी को दाना नंदा है दोस्तों, और अगर पूछा जाए गोपाला जो है पाला डायनास्टी का फाउंडर है, और बाकी यहाँ देखिएगा बहादुर शाह जफर जो कि सबसे पहला मुगल एम्परर जो कि बाबर है दोस्तों, लास्ट वाला जफर है यानी लोफर कह सकते हैं, तो लास्ट एम्परर, तो आप ऐसा याद रखिएगा जो लास्ट है उसके बाद ख़त्म हो गया, और इनको बहादुर शाह जफर जो कि बहादुर शाह टू के नाम पे जाना जाते हैं, और मोइनुद्दीन मोहम्मद इनको हम एक सोब्रिक्वेट भी दिया गया है, और औरंगज़ेब मूवी भी रिसेंटली निकाला है, औरंगज़ेब मूवी रणवीर सिंह जो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग फाउंडर, सो इस तरह का फाउंडर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आता है दोस्तों, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए? आप जानते हैं माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप जो कि सबमरीन के अंदर आप देखते हो बड़ी सी रॉड निकलता है, वो रॉड जो है
मतलब उसके अंदर एक मिरर होते हैं, ऐसे एंगल में लगा रहता है जिससे सरफेस के ऊपर तो आता नहीं हो, अंदर से ही वो ऐसे रॉड बाहर निकाल के देखते रहते हैं। तो यहाँ पे सबमरीन के अंदर पेरिस्कोप होता है टेलीस्कोप, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप आप जानते ही हैं, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स देखने के लिए काफ़ी काम आता है। और बाइनाकुलर्स तो आप जानते हैं, बाइनाकुलर्स जो कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे, इन बाइनाकुलर्स को हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी यहाँ पे देखिएगा फैथोमीटर, जो कि डेप्थ ऑफ द ओशन जो कि फैथम्स में मेज़र करते हैं, फैथोमीटर का मेन काम ये है। और जो एवापरेटर होता है, एवापोरेमीटर, जो कि रेट ऑफ एवापोरेशन को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी एलिप्सोमीटर, यूडियोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर आप चेक कर लीजिएगा। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड क्या है पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड की बात आता है, कोवेलेंट बॉन्ड है दोस्तों। और बाकी यहाँ पे देखिएगा जो भी यहाँ दिया गया है, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे जो पेंटावेलेंट कार्बन जो है, इस तरह का जो टेक्सास कार्बन के अंदर आप देख सकते हैं पेंटावेलेंट कार्बन, ये कार्बन आटम विद द फाइव कोवेलेंट बॉन्ड्स आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस कार्बन आटम में फाइव कोवेलेंट बॉन्ड्स देख सकते हैं, ये पेंटावेलेंट जो कि टेक्सास कार्बन के अंदर आप देख सकते हो। बाकी आयानिक बॉन्ड किस में होता है और मेटालिक बॉन्ड किस में होता है आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। अब बात आता है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज द रिवर गंगा डॉ नॉट फ्लो, ओवरऑल ये कि सभी लोग जानते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह का, कौन सा नदी का कौन सा शहर के साइड पे निकलता है। तो यहाँ पे पूछा गया डज द रिवर गंगा नॉट फ्लो, तो जाता ही नहीं। सो कानपुर, पटना, वाराणसी में आप देख सकते हैं गंगा रिवर साइड से निकल जाता है, लेकिन मथुरा में जो कि यमुना नदी होता है, जो कि आप जानते हैं यमुना ही रिवर ताजमहल के बगल में आप देख सकते हो। और सिटी ऑफ उत्तरकाशी जो है इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, अगर आपसे ये मथुरा की जगह उत्तरकाशी देते हैं तो भी आप कह सकते हो। बाकी आप देख सकते हैं गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ पे घोमुख, जहाँ से ये ऑरिजिन ऑफ गंगा होता है, आप देख सकते हो 7,000 मीटर, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7,000 मीटर्स इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इतना लेंथ तक ये फ्लो होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा है आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्सरेस और गामा रेस, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। पर यहाँ पे देखा जाए कैथोड रेज और बीटा रेज जो भी दिया गया है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। और बाकी आप देख सकते हो सन रेज भी एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला अगर देखा जाए आपको याद रखने वाली चीज़, सार्क की एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुई थी, सार्क की एस्टैब्लिशमेंट आप जानते हैं 1985 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी ये कलकत्ता में। और बाकी आप देख सकते हो उस टाइम पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका अडॉप्ट किए गए थे मेंबर्स। बाद में 8 मेंबर जो है सार्क की 2007 में अफगानिस्तान एज ए मेंबर टेक ओवर किया। बाकी 1965 किसके लिए फेमस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला द ऑथर ऑफ हितोपदेश, हितोपदेश जो किताब है, ये किताब को कंपोज करने वाला जो ऑथर है ये है नारायण पंडित। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है कौन कौन किस किताब का कंपोज किया है। हितोपदेश किताब नारायण पंडित ने कंपोज किया है। बाकी महादेवी वर्मा जो कि नीरजा मूवी का कंपोज किया है दोस्तों, आचार्य चतुरसेन जो है जहाँ पे गोली या बड़ी बेगम ये किताब का कंपोज किया है, रिसेंटली नीरजा मूवी का एक किरदार किया है सोनम कपूर जो कि एयर हॉस्टेस बनी थी, आप देख सकते हैं। इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा।
आचार्य विष्णु शर्मा जो इंडियन फिलॉसफी का कंपोज किया है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं नारायण पंडित को धवलचंद्रा इन बंगाल के नाम पे भी कह सकते हैं। और यहाँ पे पंचतंत्र का स्टोरीज भी इन्होंने कुछ सैम्पल स्टोरीज लिखा है इन्होंने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पूछा जा रहा है, साउंड वेव जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, बाकी लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। गामा रेव्स काफ़ी पेनेट्रेटिंग होता है, डैमेज करता है आपका शरीर को भी। और बाकी यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेव देख सकते हो, वेवलेंथ के हिसाब से रेडियो वेव्स काफ़ी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ऑप्टिकल अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज, ये अलग अलग है आप देख सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे द टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स आर बॉडी वेव्स होता है और सरफेस वेव्स होता है, इस तरह का आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है मछली में फॉरवर्ड मतलब देख सकते हो आप, और गावा जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोटीन रिच फ्रूट कह सकते हैं। पर यहाँ पे दिया गया है जो भी फिश है सबसे ज़्यादा प्रोटीन है दोस्तों, बाकी आप जानते हैं जितने नाखून हो गए हैं, बाल हो गए हैं, सब किस्म का प्रोटीन ही है दोस्तों। जीन्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउसेस ऑफ द सेल के नाम पे जाना जाते हैं, प्लास्टिड्स तो आप जानती हैं, डेंड्राइट जो है पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स कह सकते हो। जीन्स जो है दे आर फाउंड ऑन टाइनी स्पेगेटी लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ये जो जीन्स हैं नॉर्मली कैसा होता है टाइनी स्पेगेटी लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, जिनको हम क्रोमोसोम्स के नाम पे जाना जाते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड सेल्स, योर बॉडी इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। सो यहाँ पे द प्लास्टिड फॉर्म्ड मोल्डेड प्लूरल प्लास्टिड्स इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एल्गी एंड सम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी प्लास्टिड्स है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है दोस्तों, और इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एल्गी एंड सम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं इनको। अब बात आता है दोस्तों मेड इन ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किसने कैरी आउट किया, ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले क्रिस्टियन बर्नार्ड जो कि वर्ल्ड में सबसे पहला क्रिस्टियन बर्नार्ड ने इस ह्यूमन ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। और बाकी जॉन मेजर जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, एडमंड हिलारी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाला सबसे पहला बंदा, अमेंसन जो कि साउथ पोल, रॉबर्ट पीरी नॉर्थ पोल। और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है 3 दिसंबर 1967 में किया था, एक ऐसा मेजर हिस्टोरिकल इवेंट कह सकते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। आप सभी जानते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, ये मुंबई में इसको खोज किया है सबसे पहला 1952 में डॉक्टर वयम भेंडे, इस बंदे ने बॉम्बे ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया है। और ये एक ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप है दोस्तों, हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ अटेंशन इन मुंबई हेल्थ केयर सीन। सो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब फेमस हो गया था इस भेंडे ने, इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप का खोज इसने आविष्कार किया है। अगला देखिए, मदर ऑफ महात्मा, महात्मा कौन है, महात्मा गांधी जी, पुतली बाई कह सकते हैं उसकी मम्मा का नाम, माफ़ कीजिएगा मेहनत बहुत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। जीजाबाई जो है शिवाजी मदर, और जीजा माता उज्जैन आप जानते हैं मुंबई में देख सकते हो। और मीराबाई जो है कृष्णा डिसाइपल्स, जो कि एक उसका भक्त, कृष्णा का भक्त मीराबाई, उसका काफ़ी गाने आप सुने होंगे। आनंदीबेन पाटिल आप जानते हैं एक पॉलिटिशियन है दोस्तों, आज के टाइम पे उन्होंने गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी सर्व किया है। बाकी जीजाबाई शाहजी भोसले, ये शिवाजी का मदर है, जो शिवाजी मराठा साम्राज्य का
फाउंडर है दोस्तों। अब बात आता है MBT अर्जुन, यानी मिसाइल बैटल टैंक अर्जुन, सबसे इंडिजिनसली डेवलप्ड टैंक ऑफ इंडिया कह सकते हो, और ये सबसे पहला इंडिया ने खोज किया है दोस्तों। और बाकी अस्त्रा देखा जाए, ये एयर टू एयर मिसाइल है दोस्तों, डेवलप्ड बाय DRDO। और बाकी आप देख सकते हो धनुष, सी टू सरफेस, समुंदर से लेकर सरफेस तक धनुष मिसाइल रेंज देख सकते हो 350 किलोमीटर। त्रिशूल भी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, DRDO ने इसका डेवलप किया है, रेंज जो है 9 किलोमीटर है। कौन सा बर्ड दैट कैन फुल्ली टर्न इट्स हेड राउंड एंड लुक बिहाइंड, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना सर को पूरा का पूरा ऐसे 180 डिग्रीज घुमाता है, उसके अंदर इतना मतलब टैलेंट है कि वो 180 डिग्रीज पीछे घुमाता है। आपने उल्लू देखे होंगे, ये उल्लू जो है ओल अपना पूरा सर को ऐसे 180 डिग्रीज घुमाता है। बाकी बैट तो एक ऐसा एक ही फ्लाइंग मैमल है दोस्तों, वो फ्लाई कर सकती है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बिगेस्ट बर्ड है जिसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। और लैरी, एक ट्विटर सिंबल आप जानते हैं, वहाँ पे लैरी बर्ड आप देख सकते हो। द बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट एंड कैन ऑल्सो फ्लाई बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ फ्लाई करती है, वो है हमिंग बर्ड। बाकी फास्टेस्ट बर्ड, अगर फास्टेस्ट बर्ड की बात करें धरती पर, पेरिग्राइन फाल्कन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेरिग्राइन फाल्कन जो है एक ऐसा बर्ड है दोस्तों जो कि फास्ट फ्लाई करता है, और फ्लाइटलेस बर्ड जो कि ऑस्ट्रिच है सबसे बड़ा, जो कि फ्लाई भी नहीं कर सकती है। एनिमल अगर पूछा जाए धरती पर, एलिफेंट है दोस्तों। अगर मैमल अगर पूछा जाए तो आपको बताना है बिगेस्ट मैमल ऑन द अर्थ ब्लू व्हेल है दोस्तों। और सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कुकू, यानी कोयल को हम सिंगिंग बर्ड के नाम पे जाना जाते हैं। अगला, द इंस्ट्रूमेंट लेदा इसका पार्ट्स प्रोवाइड कूलिंग टू द इंजन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट या पार्ट है जो कि इंजन को ठंडा पहुंचने में काम आता है, रेडिएटर होता है जिसको हम कूलेंट रेडिएटर के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाला जाता है जिनको मास्टर ऑफ ऑल एसिड्स कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों, यहाँ पे कितने भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है इंजन का देख सकते हो। थर्मोस्टैट जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, कूलेंट पंप, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और एक्सपेंशन टैंक, ट्यूब्स, एक इंजन फैन, टेम्परेचर सेंसर, ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है दोस्तों। और टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन सभी जानते हैं, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वेदर ये वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, आई नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, आप मुझे बताएंगे कि ये किस किस्म का पोल्यूशन है दोस्तों, क्या ये एयर पोल्यूशन है, क्या ये वाटर पोल्यूशन है, या सॉइल पोल्यूशन है, आप मुझे बताएंगे। नॉर्मली एसिड रेन जो है यहाँ पे देख सकते हो, पावर प्लांट्स रिलीज द मेजॉरिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड मच ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स व्हेन दे बर्न फॉसिल फ्यूल सच एज कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन एडिशन द एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स, ट्रक्स एंड बसेस रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन टू द एयर, दीज पोल्यूटेंट्स कॉज एसिड रेन। तो कहने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं मेन रीज़न है जो भी एसिड रेन फॉर्म होने के लिए। ये जो एसिड रेन होने के बाद जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल और जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। बाकी सॉइल जो मिट्टी होता है लाल कलर में क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है दोस्तों। बाकी हवा एक मिक्सचर है, कंपाउंड वाटर है दोस्तों। अब यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर तो सभी जानते हैं, ट्रांजिस्टर जो है एक किस्म का सेमीकंडक्टर डिवाइस है दोस्तों, और सिलिकॉन और जर्मेनियम भी एक किस्म का सेमीकंडक्टर्स है जो कि चिप्स बनाने में काफ़ी मदद करते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स। और बाकी यहाँ देख सकते हो ट्रांजिस्टर का काम क्या है, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ रेसिस्टर फ्रॉम लो रेसिस्टर टू हाई रेसिस्टर, इस ट्रांजिस्टर का मेन काम है दोस्तों। इसको खोज करने वाला जॉन बर्डिन और वाटर हैच ब्रेटेन और विलियम शॉकले, ये तीनों साइंटिस्ट इसको खोज किया है दोस्तों। ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ट्रांसफार्मर, अब वो ट्रांजिस्टर को दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ट्रांसफार्मर, और इट कैन बी मेड ऑफ
डोप्ड सेमीकंडक्टर से हम बना सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों, ईच कार्बन आटम इन डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड विथ फोर कार्बन आटम्स। जो भी कार्बन आटम्स डायमंड क्रिस्टल के अंदर दिया गया है, दे आर लिंक्ड विथ फोर कार्बन आटम्स। आपको पता होना ज़रूरी है, डायमंड का थ्री एलोट्रोप्स होते हैं, एक कोल होता है जैसे कि अपन लोग ग्राफाइट देख सकते हो, और साथ में डायमंड है 360 बकमिंस्टर पुलरिन भी आप देख सकते हो। डायमंड क्रिस्टल के अंदर कार्बन आटम जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में देख सकते हो, और वो जो कार्बन से लिंक्ड विद द फोर अदर कार्बन बाय पाई बॉन्ड्स, चार अदर कार्बन्स भी आप देख सकते हो जो कि बॉन्ड इसके अंदर पाई बॉन्ड है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आल्केन। यहाँ दिया जा रहा है आल्कीन, आल्केन, आल्काइन। सो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप देखिएगा। मीथेन मार्श गैस, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ब्यूटेन जो कि LPG सिलेंडर्स में होता है। हेक्सेन, पेंटेन, देखिएगा यहाँ पे कौन सा इज नॉट एन आल्केन पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो ब्यूटेन है इज द ओनली C4H6 आल्केन एंड हैज़ नो आल्केन्स आइसोमर। सो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉमन आल्केन्स इंक्लूड मीथेन है, नेचुरल गैस जिसको कहते हैं प्रोपेन हीटिंग एंड कुकिंग फ्यूल, ब्यूटेन लाइटर्स, लाइटर फ्लूइड यानी जो लाइटर्स होते हैं LPG सिलेंडर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टेन ऑटोमोबाइल फ्यूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आल्कीन्स हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एंड आल्केन्स हैव एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। देखिएगा जो भी आल्कीन्स है उनके अंदर वन डबल बॉन्ड है, आल्काइन्स है वन ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों। सो द मोस्ट कॉमन आल्काइन जो कि इथाइन, बेटर नोन एज एसिटाइलिन, जो कि C2H2 होता है दोस्तों, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया है इज़ नॉट एन आल्काइन, जो कि यहाँ पे दिया है ब्यूटेन है दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। नॉर्मली एटमॉस्फेयर में जो लाइट है डिफ्यूजन टेक्स प्लेस होता है, रीज़न ये कि डस्ट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन हो जाता है। सो मैक्सिमम डिफ्यूजिव एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है दोस्तों। एक बार उसको छोड़ोगे सेम टाइम वो फैल जाता है लाइक ए परफ्यूम। और डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस डस्ट टू डस्ट पार्टिकल ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। डिफ्यूजन इज द नेट फ्लक्चुएशन ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल आटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ रहेगा वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चले जाते हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाई ए ग्रेडियंट इन कॉन्सेंट्रेशन, इसको कंट्रोल किया जाता है बाई ग्रेडियंट इन कॉन्सेंट्रेशन। अगला देखा जाए हीलियम, जो कि सबसे लाइटेस्ट नॉन कम्बसिबल है। अगर लाइटेस्ट एलिमेंट पूछा जाए हाइड्रोजन आपको देना होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन को हम हॉट एयर बलून्स वगैरह में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो कम्बसिबल है दोस्तों, इसलिए हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके बाद काफ़ी लाइटेस्ट एलिमेंट है। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम सूरज की वहाँ पे सबसे ज़्यादा देख सकते हो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे समंदर जो है ब्लू क्यों होता है और आसमान ब्लू क्यों होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो सुंदरबन डेल्टा है सभी जानते हैं, सुंदरबन में क्या फेमस है, वहाँ पे इस्चुरेन क्रोकोडाइल्स के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। वहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर जिसको हम पैंथेरिया टाइग्रिस के नाम पे जाना जाते हैं, और वहाँ पे एक लिजर्ड भी है वारनस सालवेटर के नाम पे जाना जाते हैं, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, और गैंगटिक डॉल्फिन्स भी वहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे सुंदरबन जो है दिया गया है जो कि क्रोकोडाइल्स के लिए काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो। बंगाल टाइगर जो कि आप जानते हैं पैंथेरिया टाइग्रिस, और पीकॉक जो कि नेशनल बर्ड अपना, और पैवोक्रिस्टाटस के नाम पे भी जाना जाता है, जो कि लाइन एशियाटिक लाइन्स गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है काफ़ी फेमस है दोस्तों। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाए जाते हैं, 29 जुलाई को मनाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और वहाँ पे बंगाल टाइगर आप देख सकते हो, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्तों। अब बात आता है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर, जो कि सभी जानते हैं जो भी इमेजेस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे कॉन्केव मिरर के बारे में पूछा जा रहा है जो कि रियल है दोस्तों। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेजेस है वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है, ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज जो कि बिहाइंड द मिरर आप देख सकते हो, और द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना जो कि रियल एंड इन्वर्टेड आप देख सकते हो। अगर ऐसा है तो ऐसा उल्टा दिखाई देगा, तो रियल और इन्वर्टेड है। रियल इमेज इज़
फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, जो सिनेमा स्क्रीन में है, जैसे कि रियल इमेज फॉर्म होता है जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया वही आप देख सकते हो। कॉन्केव मिरर्स कैन फॉर्म रियल इमेजेस, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। देखिएगा, कॉन्केव मिरर रियल इमेजेस अगर फॉर्म करते हैं, कॉन्वेक्स और प्लेन जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, आप कोई भी पहाड़ के ऊपर आप जाते हो, मर्क्यूरी लेवल बैरोमीटर के अंदर क्या होगा, जब आप एक पहाड़ चढ़ते हो मर्क्यूरी लेवल बैरोमीटर के अंदर घट जाता है दोस्तों। और यहाँ पे सी लेवल में नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो 760 mm रहेगा, एक बार वो सीधा mm यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कह सकते हैं। एक बार अगर बैरोमीटर के अंदर देखा जाए कोई भी हिल के ऊपर जाते वक्त, एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज एंड सो द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी विल नॉट रेज एज हाई। तो यहाँ पे जब एक साथ वहाँ पे हाइट ऊपर चले जाते हो, एज वी नो प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस सो द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर विल गो डाउन। सो ऊपर जाते वक्त सेम टाइम उसका जो रीडिंग है डाउन हो जाता है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नॉर्मली आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 degree कह सकते हैं दोस्तों, और 100 degree में आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख सकते हो, 4 degree में डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा देख सकते हो, और -40 में जो कि फॉरेनहाइट साथ में सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है। मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ आइस जो है 0 degree में सॉलिड भी हो जाता है या फ्रीज हो जाता है। सो अगर आपसे पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, सो आप इसका 0 degree कह सकते हो। अगर फॉरेनहाइट में अगर कहा गया -32 फॉरेनहाइट कह सकते हो दोस्तों, 32 फॉरेनहाइट। अब बात आता है द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी के बारे में डील करने वाली जो ब्रांच ऑफ साइंटिफिक स्टडी है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो यानी हीट होता है दोस्तों, और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन ए पर्टिकुलर, इट डिस्क्राइब्स हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एंड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड हाउ इट अफेक्ट्स मैटर। ये मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइटनिंग कंडक्टर। सभी घरों में इस तरह का लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ रहता है बिल्डिंग के ऊपर, ताकि जो लाइटनिंग होता है जो एकदम चमक आता है वो लाइटनिंग को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो सीधा बिल्डिंग पर गिरे तो बिल्डिंग ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से उस लाइटनिंग रॉड को रखा जाता है, वो कॉपर से बना हुआ रहता है। और आप सभी जानते हैं बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा, काफ़ी लेंथी है, वहाँ पे भी एक लाइटनिंग अरेस्टर डाला हुआ है ताकि कोई भी लाइटनिंग आ जाए उसको हम डिफ्यूज़ कर सकता है, नहीं तो बिल्डिंग का पूरा डैमेज हो सकता है। जो रेनिंग प्रोसेस है वो एक किस्म का कंडेंसेशन प्रोसेस है दोस्तों। और यहाँ पे आप सुनामी बॉयज सभी जानते हैं, ये सुनामी बॉयज जो है आप लोग समुंदर के अंदर कुछ फ्लोटिंग डिवाइसेस होते हैं बॉयज, वो क्या करता है जब समुंदर की जो बीच में कोई सडन वेव आता है तो वो सडनली एकदम ग्रोथ हो जाता है, तब वहाँ पे कोई ना कोई वार्निंग देखने को मिलता है। जब भी पानी एकदम फ्लोट कब होता है, जब कोई भी भूकंप आ जाता है पानी के अंदर, धरती डूबी टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाते हैं। बाकी सनरेज जो है एक रेडिएशन का एग्जाम्पल कह सकते हो, अर्थक्वेक जो कि भूकंप सभी जानते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ बाय एक्शन ऑफ लाइटनिंग। यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग कह सकते हैं। और व्हेन लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म ओवरटेक यू व्हाइल यू आर इन मूविंग कार, देन आपको क्या करना चाहिए, एकदम फ्लैट लेट जाना चाहिए, क्योंकि जब लाइटनिंग आता है थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा करंट आ सकता है आपका कार पे भी। सो लाइटनिंग अरेस्टर जो होते हैं वो कॉपर से बना हुआ होता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने 30 सवाल डिस्कस करने की कोशिश की है, बाकी 70 क्वेश्चंस आपको बाद में बताएंगे। और आई वांट यू गाइस टू कोऑपरेट, जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग अगला जितने भी पार्ट्स है 11, 12, 13, 15 करता रहेंगे, पर आप तब तक जितने भी सवाल हमने डिस्कस किया है आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और आप ज़रूर बाकी 10 पार्ट्स भी देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट देने की। जय हिंद, जय भारत।